Hello friends, good afternoon. This is Dr. Bakul Dev and you are watching Unacademy Studios Placebo, your one-stop solution for NEET as well as AIIMS both. ये जो चैनल है यहाँ पर हम यानी कि टीम Placebo डेली 10 to 12 आवर्स के लाइव सेशंस ले रहे हैं आपके लिए. आपका NEET और AIIMS का सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी चारों सब्जेक्ट्स में हम कंप्लीटली कवर कर रहे हैं पूरे वेरीफाइड और प्रिसाइज नोट्स और कंटेंट के साथ में. तो इस चैनल के साथ बने रहिए, यहाँ से जो जो गाइडलाइंस आपको दी जाती हैं बस उनको फॉलो करते जाइए और आपका प्रिपरेशन बहुत 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 अच्छा हो जाने वाला है. अभी तक आपने महसूस भी किया होगा पिछले कुछ वक्त में जितने सेशंस आपने अटेंड किए हैं, जितने क्विजेज आपने अटेंड किए हैं, उसके बाद आपको खुद को ये रियलाइज़ होना चाहिए कि आपका लेवल प्रिपरेशन का बहुत अच्छा हो चुका है. पहले के कंपैरिजन में आप अपने को बेहतर महसूस भी कर रहे होंगे, इजीली क्वेश्चंस को अटेंड भी करते होंगे. तो अब इसी पेस को आपको मेंटेन रखना है कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ईयर और हम सारी चीज़ों को धीरे 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 कंप्लीट करेंगे. फिर हम रिवीजन वाले पोर्शन पर भी आएंगे, क्विजेज पर भी आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेगमेंट पर भी आएंगे, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस सेगमेंट पर भी आएंगे, एनसीईआरटी एसेंशियल्स पर भी आएंगे. सब कवर करवाने वाले हैं हम आपको इसी चैनल पे. तो टीम Placebo में अमित सर हैं जो आपको बॉटनी पढ़ा रहे हैं दोपहर 1 बजे शाम 5 बजे, दीपक सर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं दोपहर 2 बजे रात 9 बजे, आनंद सर आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं सुबह 10 बजे शाम 7 बजे, और मैं आपको जूलॉजी पढ़ा रहा हूँ सुबह 11 बजे दोपहर 3 बजे जो अभी हमारा 3 बजे वाला सेशन है. ऋतु मैम आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हैं शाम 4 बजे, रोहित सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं दोपहर 12 बजे और रात 8 बजे. तो इस टीम से जुड़े रहिए और साथ साथ में आपको जल्दी से अगर नहीं किया है अभी तक, और फिर उसके बाद में आपको URL में ये लिंक टाइप कर देना है t.me/NEET Placebo और ज्वाइन पर क्लिक कर देना है, इस चैनल का पार्ट बन जाइए. यहाँ आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे क्या क्या चीजें Placebo पर चल रही हैं, कौन कौन से सेशंस आ रहे हैं, कौन कौन से रिचुअल्स आ रहे हैं. और बच्चों तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको कर लेना है वो ये कि Unacademy Plus को एट द अर्लीस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि Unacademy Plus वो प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है मल्टी डायमेंशनल सपोर्ट सिस्टम 24/7 कंटिन्यूअसली. आपकी प्रिपरेशन में कहीं भी किसी भी तरह का कोई लकुना कोई कमजोरी रह ही नहीं सकती अगर आपने Unacademy Plus को सब्सक्राइब कर लिया है तो. उसके रीजंस हैं, उसके रीजंस क्या हैं. Unacademy Plus पर इस वक्त लगभग 40+ टॉप एजुकेटर्स ऑल ओवर इंडिया से फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी चारों सब्जेक्ट्स आपको पढ़ा रहे हैं. डेली वहां पर 30+ आवर्स के लाइव सेशंस होते हैं. जो भी सेशन आप अटेंड करते हैं उसके तुरंत बाद आप उसके नोट्स PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं. रिकॉर्डेड सेशंस आप देख सकते हैं अगर आपका क्लास कोई मिस हो गया है. वहां हम वीकली क्विजेज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यूनिट कंप्लीशन पर मेगा क्विज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. हर चौथा क्लास हम डेडिकेटेड डाउट रिमूवल सेशन का रख रहे हैं जिससे आपका एक एक छोटा छोटा क्वेरी सॉल्व हो सके. तो Unacademy Plus को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि उसके बाद किसी भी तरीके का कोई लकुना आपकी प्रिपरेशन में नहीं बचेगा, दैट इज फॉर श्योर. और इसको सब्सक्राइब करने का तरीका बड़ा आसान है, जल्दी जल्दी से मैं कुछ स्टेप बता दूं आपको. सबसे पहले इस लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लो, दिस इज द फर्स्ट टास्क. इंस्टॉल करने के बाद नीचे बच्चों आपको एक लिंक दिखाई देगा प्लस का, इस प्लस वाले लिंक को आप प्रेस करेंगे. जैसे ही आप इस लिंक को प्रेस करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा. नीट एंड एम्स गेट सब्सक्रिप्शन वाले ऑप्शन पर जाइए, फ्लेक्सिबल सब्सक्रिप्शन प्लान्स ओपन हो जाएंगे. इफ़ यू आर स्टडिंग इन क्लास 12th या फिर आप ड्रॉपर हैं, आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मॉडल ऑप्ट कर लेना है जिसका फी बहुत ही कम है, दैट इज 25,000. और आपने अगर ये रेफरल कोड यूज किया, इसको याद रखिए Bakul10, तो आप इंस्टेंटली 10% स्कॉलरशिप आपको इस फी पे मिल जाएगी. तो टोटल फी आपका आ जाएगा 22,500 फॉर 1 ईयर, विच इज नथिंग, इनफैक्ट विच इज नथिंग. जो कंटेंट आपको मिल रहा है, जो एजुकेटर्स आपको मिल रहे हैं उसके अगेंस्ट. और बच्चों अगर आप अभी क्लास 11th में हैं तो यू शुड ऑप्ट फॉर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन मॉडल, दैट इज 24 मंथ सब्सक्रिप्शन मॉडल. 24 मंथ सब्सक्रिप्शन मॉडल का फी जो है 2 ईयर का, दैट इज 40,000, दैट इज इवन लेस और भी कम है. अगर Bakul10 ये रेफरल कोड आपने इस्तेमाल किया तो ये आपका फीस जो है 40,000 से आ जाएगा 36,000 पे, विच मीन्स 18,000 पर ईयर.
आपको जो कंटेंट मिल रहा है इसमें 30 प्लस आवर्स ऑफ लाइव सेशंस डेली, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, 40 प्लस टॉप एजुकेटर्स, वीकली क्विजेज, मेगा क्विजेज ऑन यूनिट कंप्लीशन, एवरी फोर्थ क्लास डेडिकेटेड डाउट रिमूवल सेशन, नोट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट, सब कुछ आपको अवेलेबल हो रहा है इस प्लेटफॉर्म पर। तो जल्दी से आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर लें। ओके चलिए जी, अब ये हमारा 3 बजे का सेशन है जिसको हम स्टार्ट करते हैं। मैं जरा जल्दी से देख लूँ कौन कौन बच्चे आ गए हैं। एग्जामिनेशन डोज, आपका नाम है चिरंजीवी, गुड आफ्टरनून चिरंजीवी, विजय, अलीना मलिक, मृणाल भारद्वाज, मुस्कान, गुरुपद मेहता, जसविंदर सिंह, आर्य गुप्ता, मिराज मलिक। ठीक है चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हमने कॉकरोच में जनरल मॉर्फोलॉजी पढ़ लिया था, पॉइंट वन, पॉइंट टू, फिर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस कर लिया था, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम डिस्कस कर लिया था। आज हम प्रोसीड करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ओके तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हम डिस्कस करें, उससे पहले आपको एक बात बताता चलूं, एवोल्यूशन जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इनफैक्ट मुझे यूं कहना चाहिए कि स्पेसिफाइड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर पहली बार आर्थ्रोपोडा में ही जाकर अपीयर होते हैं। उससे पहले के फाइलम अगर आप देखेंगे और थोड़ा सा उनके जनरल करेक्टर्स को याद करने की कोशिश करेंगे तो चाहे वो प्रोटोजोआ है, चाहे पोरीफेरा है, सीलेंट्रेटा है, टीनोफोरा है, प्लेटी हेलमिंथीज है, एसके हेलमिंथीज है, एनेलेडा है, इन सभी में अगर रेस्पिरेशन होता है तो बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूज होकर ऑक्सीजन बॉडी में एंटर करती है। मीन्स देयर इज नो स्पेसिफाइड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर एज सच, ईदर इट इज अ केस ऑफ अर्थवर्म और इट इज अ केस ऑफ एस्केरिस, किसी को भी हम एग्जाम्पल पिक कर लें। तो पहली बार स्पेसिफाइड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं किसमें, आर्थ्रोपोडा में, और तीन तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इनफैक्ट गिल्स हमें दिखाई देते हैं क्रस्टेशियंस में जैसे कि क्रैब, बुकलंग्स हमें दिखाई देते हैं जैसे स्पाइडर में, स्कॉर्पियन में, और ट्रैकियल सिस्टम दिखाई देता है इंसेक्ट्स में जैसे कि कॉकरोच। तो अब इस सिस्टम में क्या क्या होता है, तरुण परी हेलो बेटा, चलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं पहले ये समझ लेते हैं। वेरी फर्स्ट स्पाइरेकल्स, तो स्पाइरेकल के बारे में आप पहले ये समझें दैट देयर आर टोटल 10 पेयर स्पाइरेकल्स। ये जो 10 पेयर स्पाइरेकल मिलते हैं कॉकरोच में, इनमें से थोरेसिक स्पाइरेकल होते हैं 2 पेयर और एब्डोमिनल स्पाइरेकल होते हैं 8 पेयर्स। ये स्पाइरेकल क्या होते हैं अभी आपको समझाता हूं मैं। तो सबसे पहली चीज तो है स्पाइरेकल आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, फिर दूसरा आता है ट्रैकियल ट्रंक, जो सबसे बड़े साइज के ट्रैकियां हैं। तो ट्रैकियल ट्रंक जो है दे आर 3 पेयर लॉन्गिट्यूडिनल ट्रैकियल ट्रंक, 3 पेयर लॉन्गिट्यूडिनल ट्रैकियल ट्रंक मिलते हैं जो कौन कौन से हैं, डॉर्सल, वेंट्रल एंड लेटरल, 1 पेयर ईच। और फिर इन्हीं के ब्रांचेस को हम कहते हैं ट्रेकिया और फिर बनते हैं ट्रेक्यूल। तो अब मैं आपको जरा स्ट्रक्चर इनका समझा दूं थोड़ा कि एग्जैक्टली ये चीजें होती क्या हैं। चलिए जी सबसे पहले तो ये देख लो स्पाइरेकल जो 10 पेयर हैं उसके लिए मैं यहां एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं आपके लिए। ये इनके कंपाउंड आइज हुए, हेड वाला रीजन हुआ, ये प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, थोरेक्स के 3 सेगमेंट में बनाए देता हूं, बाकी बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये 1 पेयर थोरेसिक स्पाइरेकल हो गए,
एट पेयर आपके एब्डोमिनल स्पाइरिकल हो गए, ये हो गए आपके टू पेयर और ये हो गए आपके एट पेयर। अब ये स्पाइरिकल्स होते क्या हैं? तुषार, उत्कर्ष, रिया, किम्मी, हेलो बेटा, गुलनाज, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। चलो जी, अब हम स्पाइरिकल, स्पाइरिकल से फिर एट्रियम, फिर ट्रैकियल ट्रंक, ट्रैकिया, ये सब चीजें कैसे बनती हैं, क्या होता है, इसको समझते हैं। लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम फॉर ऑल ऑफ यू। देखो बच्चों, ये है स्पाइरिकल, ये वो एपर्चर है जो बॉडी के लेटरल सरफेसेस पर होता है और यहां से होकर के एयर बॉडी में एंटर करता है। ठीक है, एयर बॉडी में एंटर करेगा, उससे पहले स्पाइरिकल ओपन होगा एक इस तरह के स्ट्रक्चर में, जिसे हम कहते हैं एट्रियम। तो ये जो रीजन दिखाई दे रहा है, ये एट्रियम है, ये आपका स्पाइरिकल है। स्पाइरिकल के ठीक पीछे यहां एक फिल्टरिंग डिवाइस होता है जो एयर को फिल्टर करता है। इस पर ब्रिसल्स लगे रहते हैं हल्के हल्के इस तरह के, तो एयर में जो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये सारे के सारे ये फिल्टर करेगा। ठीक है, तो पहले मैं इन तीन चीजों को लेबल करूं आपके लिए, उसके बाद आगे का स्ट्रक्चर बनाता हूं। ये तो है आपका स्पाइरिकल, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि स्पाइरिकल की मार्जिन पर अंदर की तरफ एक काइटिन का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, जिसको हम कहते हैं पेरिट्रीन, ओके, जिससे कि ये कॉलेप्स होने से बचे। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें ये ओपन हो रहा है, दैट इज नोन एज एट्रियम, क्लियर। और एट्रियम के बाद आर्यन बेटा, आजकल हम लोग एक पूरा मेजर क्विज ऑर्गेनाइज करते हैं ना वीकेंड पे, इस वजह से, ठीक है। चलो, अब ये जो दिखाई दे रहा है, इसको ब्रिस्टली प्लेट या फिल्टरिंग डिवाइस भी कहा जाता है, क्लियर। और ये है वाल्व। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर तो आपके किससे रिलेटेड हो गए? स्पाइरिकल से। नाउ एवरी स्पाइरिकल ओपन्स इन ए लार्ज ट्रैकियल ट्रंक। तो अब इसके आगे वाला ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, दैट इज एग्जैक्टली ट्रैकियल ट्रंक। और इसी ट्रैकियल ट्रंक से ब्रांचेस निकलती हैं फिर, ये ब्रांचेस निकल रही हैं। तो आगे जो ये माइन्यूट ब्रांचेस निकल रही हैं, थोड़ा स्मॉलर ब्रांचेस निकल रही हैं, इनको हम कह देते हैं ट्रैकिया। आ रही है बात समझ में? इसमें अंदर की तरफ स्पाइरल थिकनिंग मिलती है, इन स्पाइरल थिकनिंग की वजह से ये कॉलेप्स नहीं होता। आगे बात समझ में? ट्रैकियल ट्रंक या ट्रैकिया दोनों ही कॉलेप्स नहीं होते, ठीक है। अब हम आगे चलें, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहां, दैट इज क्यूटिकुलर थिकनिंग, जो कि इसको कॉलेप्स होने से बचाएगी, ओके। रौनित चौधरी, किम्मी, वेलकम। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि ये किस किस तरीके से ब्रांचेस में डिवाइड होता है। तो ये आपका ट्रैकिया है,
यही ट्रैकिया आगे जा करके फाइन ब्रांचेस में कन्वर्ट होगा। इन ब्रांचेस को हम कहेंगे ट्रैकियोल्स। ये आ रहा है आपका ट्रैकिया। अब आपको यह याद रखना है कि ट्रैकिया के चारों तरफ यहां यह एपिथेलियम है, ये इसमें न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं। एग्जैक्टली ये बॉडी वॉल के इन्वेजिनेशन से डेवलप होता है। आ रही है बात समझ में? और फाइनली ये किसी न किसी ऑर्गन या स्ट्रक्चर में एंटर कर जाएगा और इस तरीके से कंक्लूड हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये एंटर कर गया है किसी मसल में, फॉर एग्जांपल। क्लियर? और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसको यहां तक कवर करेगा। ये ओवरऑल इसकी स्ट्रक्चरिंग हो गई। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं समझ लो जरा जल्दी से। ये क्यूटिकल और थिकनिंग हो गई। ये आपको दिखाई दे रहा है बच्चों ट्रैकिया, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है एपिथेलियम। ये आपको दिखाई दे रहा है ट्रैकियोल। ये कोई भी ऑर्गन या स्ट्रक्चर है जिसमें ये ट्रैकियोल एंटर कर गया है। और आपको जो चीज याद रखनी है वो ये कि ट्रैकियोल के आखिरी सिरे पर यहां एक फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, ये तो ओवरऑल अरेंजमेंट हो गया। मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है। आई रिपीट इट अगेन, स्पाइरिकल ओपनिंग इन एट्रियम, एट्रियम लीड्स टू ट्रैकियल ट्रंक, दैट इज ट्रैकियल ट्रंक। और ट्रैकियल ट्रंक और ट्रैकिया इन दोनों के ही अंदर की तरफ क्यूटिकुलर थिकनिंग होती है जो कि वॉल को नॉन कॉलेप्सिबल बना देता है। और जब ये वॉल को नॉन कॉलेप्सिबल बना देगा तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन और कॉकरोच की ट्रैकिया में सिमिलरिटी क्या है, दोनों का ही वॉल कैसा होता है नॉन कॉलेप्सिबल। ठीक है, ये बना कैसे, ये पूरा का पूरा सिस्टम बना कैसे? दिस एंटायर सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय फॉर्म्स ड्यू टू इनवेजिनेशन ऑफ बॉडी वॉल। तो ये बॉडी वॉल के इन्वेजिनेशन से फॉर्म हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एयर सीधा स्पाइरिकल से, ट्रैकियल ट्रंक से, ट्रैकिया से, ट्रैकियोल से होते हुए सीधा ऑर्गन या स्ट्रक्चर में एंटर करेगा। इसको किसी भी मीडिएशन की जरूरत नहीं है, जैसा कि हमारी बॉडी में होता है कि हम पहले इनहेल करते हैं, फिर ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, उस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन कैरी करके लेके जाता है टिश्यूज तक, फिर रिलीज करता है। कॉकरोच में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। कॉकरोच में एयर सीधे टिश्यूज में एंटर करता है, डायरेक्टली इट एंटर्स इन द टिश्यूज। स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं ये मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, एट्रियम बेटा पहला वो पोर्शन है जिसमें एयर एंटर करेगा, और इसमें ये जो ब्रिसलिंग डिवाइस या फिल्टरिंग डिवाइस लगा हुआ है ये हार्मफुल एजेंट्स को रोक लेगा यहां पर। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है। तो एक बार जरा पीछे आइए, मैंने क्या बताया आपको, स्पाइरेकल कितने होते हैं 10 पेयर, थोरेसिक स्पाइरेकल 2 पेयर, एब्डोमिनल स्पाइरेकल 8 पेयर्स, और ट्रैकियल ट्रंक कितने होते हैं टोटल 3 पेयर, लॉन्गिट्यूडिनल, वेंट्रल एंड लेटरल, तीनों तरफ एक एक। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो यूं बनाएंगे, देखो ट्रैकियल ट्रंक अगर मैं ड्रॉ करूं आपके लिए तो एक तो ये ट्रैकियल ट्रंक हो गया, एक ये हो गया,
वेंट्रल और एक ये हो गया तो तीन ट्रैकियल ट्रंक तो इस तरफ हो गए और तीन ट्रैकियल ट्रंक आपके इस तरफ हो गए लॉन्गिट्यूडिनल। अब इसको आप थोड़ा सा 3D में इमेजिन करेंगे एग्जैक्टली ये ऊपर नीचे हैं एक दूसरे के। आप यूं मान के चले वन ट्रैकियल ट्रंक डॉर्सल फिर नीचे की तरफ वेंट्रल और फिर लेटरल। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब अगर मैं सेगमेंट्स का सेक्शनल व्यू लूंगा यहां से अगर हमने सेक्शनल व्यू लिया तो सेक्शनल व्यू में हमें ये ऐसे दिखाई देंगे दोनों तरफ एक एक डॉर्सल ट्रैकियल ट्रंक एक एक वेंट्रल ट्रैकियल ट्रंक और एक एक लेटरल ट्रैकियल ट्रंक। ये तीन ट्रैकियल ट्रंक हो गए दोनों तरफ। दिस इज डॉर्सल दिस इज वेंट्रल एंड दिस इज लेटरल। सो दीज आर द थ्री प्रेयर ऑफ ट्रैकियल ट्रंक जो कि हमें सेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। ये ट्रैकियल ट्रंक आपस में भी कनेक्टेड होते हैं ट्रांसवर्स ट्रैकियल ट्रंक से जिससे कि एयर चारों तरफ चैनलाइज हो जाए। ठीक है, अब हमारा एट्रियम कहां पर है? एट्रियम इस जगह पर है। वो तो स्ट्रक्चर ये हो गया, यही हमारे प्लूराइट्स पर एट्रियम है। तो देखो ये आपका एट्रियम है, एट्रियम से एग्जैक्टली तीन ब्रांचेस निकलेंगी, एक डॉर्सल में जाकर के खुल जाएगी, एक लेटरल में जाकर खुलेगी, एक वेंट्रल में, एक डॉर्सल में, एक लेटरल में, एक वेंट्रल में। तो एक ब्रांच यहां आ गया, एक यहां आ गया और एक यहां आ गया। इसी तरीके से इधर वाला जो स्पाइरिकल है ये इसका एट्रियम है, इससे एक ब्रांच इसमें जाके ओपन हो गया, एक इसमें ओपन हो गया और एक इसमें। तो यहां से एयर एंटर करेगा, एयर एंटर करके तीनों ट्रैकियल ट्रंक में मूव कर जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर जाएगा। आ रही है बात समझ में? अभी बता रहा हूं बेटा टर्गो स्टर्नल मसल। ये बात तो समझ में आ गई आपको अच्छे से? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो जल्दी से, फिर मैं आगे चलूं क्योंकि ये फिर वापस दोबारा से अपीयर नहीं होगा। ये आपका डॉर्सल ट्रैकियल ट्रंक, ये आपका वेंट्रल ट्रैकियल ट्रंक और ये आपका लेटरल ट्रैकियल ट्रंक। क्लियर? चलूं आगे? चलो जी आ जाओ। अब ये आपने समझ लिया अच्छे से, एवरी स्पाइरिकल ओपन्स इन एट्रियम, एट्रियम इनटू ट्रैकियल ट्रंक लेटर ऑन गिव्स ब्रांचेस, गिव्स ऑफ ब्रांचेस विच आर नोन एज ट्रेकिया, एवरी ट्रेकिया अल्टीमेटली टर्मिनेट्स इनटू द फॉर्म ऑफ ट्रैकियोल, ट्रैकियोल सीधे ऑर्गन या स्ट्रक्चर में एंटर कर जाएगा, ट्रैकियोल के आखिरी हिस्से में अंदर कुछ फ्लूड भरा होगा जिसको हम कह सकते हैं टिश्यू फ्लूड। ठीक है, अब ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या होगा इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें जल्दी से। चलिए जी, अब रेस्पिरेशन कैसे होगा? देखो ये बॉडी का एक सेगमेंट है, ये ऊपर की तरफ है टर्गम, नीचे की तरफ है स्टर्नम, यहां है प्लूरॉन। अभी किसी बच्चे ने पूछा तो ये जो मसल ऊपर से नीचे की तरफ कनेक्ट कर रहे हैं इन मसल्स को हम कहते हैं टर्गो स्टर्नल मसल्स। अब जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बॉडी कैसा हो जाएगा? फ्लैट, यानी अंदर का वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी कि ट्रैकियल ट्रंक पर भी चारों तरफ से प्रेशर आएगा तो ट्रैकियल ट्रंक का भी अंदर का डायमीटर थोड़ा कम होगा प्रेशर आने की वजह से। तो जब ये कंस्ट्रिक्ट होंगे तो एयर बाहर निकलेगा, जब ये मसल्स रिलैक्स होंगे तो बॉडी थोड़ा सा फूल जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो ट्रैकियल ट्रंक का भी वॉल्यूम बढ़ेगा तो बाहर से एयर अंदर आ जाएगा। दैट इज अ सिंपल मैकेनिज्म। जब टर्गो स्टर्नल मसल में कॉन्ट्रेक्शन होगा, इनमें जब कॉन्ट्रेक्शन हुआ और रिलैक्सेशन हुआ तो दोनों केसेस के अंदर रिदमिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, बॉडी एक्सपेंड करेगा, बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब टर्गो स्टर्नल मसल में कॉन्ट्रेक्शन होगा तो साइज रिड्यूस हो गया, जब रिलैक्स होंगे तो साइज बढ़ गया, जब साइज बढ़ेगा तो एयर एंटर करेगा, जब साइज रिड्यूस हो गया तो एयर बाहर निकलेगा। ठीक है,
अंदर एयर एंटर कर रहा है इनहेलेशन, बाहर एयर एंटर कर बाहर एयर जा रहा है तो एक्सहेलेशन हो गया। अब आपको टिश्यू फ्लूइड में लास्ट में जाकर के ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा। देखो यहां तक तो ऑक्सीजन आएगा सीधे, फिर इसमें डिसॉल्व होगा और फिर इसके माध्यम से, इसके मीडियम से कहां जाएगा, टिश्यूज में, मतलब लास्ट के सेगमेंट में फ्लूइड होगा, टिश्यू फ्लूइड। ओके, अब एक चीज और समझ लो कि जब इनहेलेशन होगा, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ऑल 10 पेयर स्पाइरिकल्स आर ओपन, लेकिन जब एक्सहेलेशन होगा ओनली 2 पेयर स्पाइरिकल्स रिमेन ओपन। इनहेलेशन में तो सारे खुले रहेंगे स्पाइरिकल, और एक्सहेलेशन में केवल 2 पेयर स्पाइरिकल खुले रहेंगे। कौन कौन से स्पाइरिकल खुले रहेंगे? फर्स्ट थोरेसिक एंड फर्स्ट एब्डोमिनल, ये जो पेयर है, पहला थोरेसिक पेयर, पहला एब्डोमिनल पेयर, ये परमानेंटली खुले ही रहते हैं इनहेलेशन के वक्त भी, एक्सहेलेशन के वक्त भी। और बाकी स्पाइरिकल इनहेलेशन के वक्त तो खुल जाएंगे, एक्सहेलेशन के वक्त बंद हो जाएंगे। आ गई बात समझ में? आई होप इट इज क्लियर। फिर से रिपीट कर देता हूं आपके लिए जल्दी। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए जल्दी से। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज ऑल्सो नोन एज ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम में 10 पेयर स्पाइरिकल होते हैं जो कि बॉडी के लेटरल सरफेस पर होते हैं, 2 पेयर थोरेसिक, 8 पेयर एब्डोमिनल। ओके, एवरी स्पाइरिकल ओपन्स इन अ लार्ज चैम्बर नोन एज एट्रियम। एट्रियम इज कनेक्टेड टू ट्रैकियल ट्रंक। ट्रैकियल ट्रंक से स्मॉल ब्रांचेस निकलेंगे जिनको हम ट्रैकिया कहेंगे। ट्रैकिया अल्टीमेटली बिल्कुल फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा जिनको ट्रैकियोल कहेंगे। ट्रैकियोल टिश्यू या ऑर्गन में एंटर कर जाएगा और सीधे ऑक्सीजन सप्लाई होगी। इसके आखिरी हिस्से में थोड़ा सा फ्लूइड भरा हुआ होगा जिसे टिश्यू फ्लूइड कहेंगे। यह भी क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है, जैसे ट्रैकियोल, केवल ट्रैकियोल का डायग्राम दे दिया आपको। सपोज दिस इज अ ट्रैकियोल एंड दिस इज अ ट्रैकियोल, और ये किसी ऑर्गन के अंदर है दोनों ही, अब जब एक्टिव स्टेट में होगा कॉकरोच, जब इसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी तब तो टिश्यू फ्लूइड केवल यहां यहां बचेगा, और जब ये इनएक्टिव होगा तो टिश्यू फ्लूइड थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस तक भरा रहेगा। तो ये डायग्राम्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। दिस इज द सिचुएशन ऑफ ट्रैकियोल व्हेन द इंसेक्ट इज एक्टिव एंड दिस इज व्हेन द इंसेक्ट इज इनएक्टिव। ये ट्रैकियोल है, तो टिश्यू फ्लूइड जो है उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी। अगर एक्टिविटी ज्यादा होगी तो वो टिश्यू के ज्यादा नजदीक चला जाएगा, और अदरवाइज ये थोड़ा सा भरा रहेगा। ठीक है, बी हेल्दी विद रोशन, ये पूछ रहे हैं व्हाई ओनली 2 पेयर स्पाइरिकल रिमेन्स ओपन एट द टाइम ऑफ एक्सहेलेशन। इसका रीजन क्या है? इनहेलेशन तो केवल स्पाइरिकल के थ्रू होगा, एक्सहेलेशन केवल स्पाइरिकल के थ्रू नहीं होता। एक्सहेलेशन के और भी कई मैकेनिज्म होते हैं। मैकेनिज्म क्या होते हैं, जैसे मैं एक बार के लिए इसको रिमूव करूं यहां से और अब देखो जरा, इनहेलेशन हुआ, एयर अंदर आ गया, ऑक्सीजन अंदर आ गया। अब ये जो ऑक्सीजन अंदर आया इसको टिश्यूज ने काम में ले लिया, फिर टिश्यूज ने क्या रिलीज किया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की ग्रेटर क्वांटिटी जो है इट इज डिसॉल्वड इन हीमोलिम्फ। पहली चीज, मतलब ऑक्सीजन तो अंदर आती रहेगी,
टिश्यूज जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे वो हीमोलिम्फ में डिजोल्व होता रहेगा। जब वो हीमोलिम्फ में डिजोल्व होता रहेगा तो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से होकर के, जहां जहां आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन होगा, थ्रू आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन CO2 ग्रेजुअली डिफ्यूजेस आउट, मतलब CO2 के बाहर निकलने का रास्ता और भी है, एंट्रेंस का रास्ता और नहीं है, एंट्रेंस स्पाइरेकल से ही होगा, एग्जिट आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से भी हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड पहले हीमोलिम्फ में घुलता रहेगा, डिजोल्व होता रहेगा, और आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से धीरे धीरे बाहर लीक होता रहेगा, डिफ्यूज होता रहेगा। तो गैसेस को या एयर को बाहर निकालने का प्रेशर इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो बॉडी में डिजोल्व हो रहा है और लीक हो रहा है धीरे धीरे। एंट्रेंस के लिए हमें सारे स्पाइरिकल ओपन चाहिए, एग्जिट के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जिट का मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन जो एयर है या कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट इज डिफ्यूज आउट वाया आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन्स। आ गई बात समझ में? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हुआ बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड देयर इज नो पिगमेंट, आपको याद रखना है, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज फाउंड इन कॉकरोच, एयर डायरेक्टली एंटर्स इन द टिश्यूज। क्लियर? चलो जी आगे चले, टर्गोस्टर्नल मसल्स इसमें हेल्प करेंगे। इनहेलेशन के वक्त सारे खुले रहेंगे, एक्सहेलेशन के वक्त केवल दो पेयर खुले रहेंगे, कौन से? फर्स्ट पेयर थोरेसिक, फर्स्ट पेयर एब्डोमिनल। दैट्स ऑल, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें बस इतनी ही चीजें आपको याद रखनी है। अब आ जाए आगे, अब चलिए जी एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में दो तीन चीजें सबसे पहले याद रखिए। पहला तो ये कि कॉकरोच यूरिकोटेलिक है और बहुत सारे स्ट्रक्चर एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, जिनमें प्राइमरी स्ट्रक्चर तो है आपका मेलपीजियन ट्यूब्यूल, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। फिर फैट बॉडीज भी हैं, नेफ्रोसाइट्स भी हैं, क्यूटिकल भी असिस्ट करता है और यूरिकोज ग्लैंड भी असिस्ट करता है। तो ये पांच तरह की चीजें हैं जो कि एक्सक्रीशन में सपोर्ट करती हैं। अब सबसे पहले तो आप ये समझिए मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं। जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया था कॉकरोच का, तो बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने ये क्रॉप, गिजार्ड, फिर उसके बाद में मीजेंट्रॉन, और यहां पर ये हेपेटिक सीका बनाए थे 6 to 8, और यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है हाइंडगट, इलियम, कॉलन और रेक्टम, तीन हिस्से होते हैं जिसमें। लेकिन इसी जंक्शन पर हमने ये ट्यूब्स बनाए थे एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंडगट। ठीक है, तो ये जो ट्यूब्स यहां हमने ड्रॉ किए हैं, इन्हीं ट्यूब्स को हम कहते हैं मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। पहली बात तो ये, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, दीज ट्यूब्स आर अरेंज्ड इन 6 ग्रुप्स, ये 6 ग्रुप्स में अरेंज्ड होंगी। ईच ग्रुप कंटेन्स 15 to 25 ट्यूब्यूल्स, यानी कुल मिला के हमारे पास मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स कितना है, 90 से 150, दैट इज द टोटल काउंट ऑफ मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। एंड वेयर दे आर फाउंड, एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। ये बेसिक बातें हुई मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स के बारे में। अब मेलपीजियन ट्यूब्यूल काम कैसे करते हैं ये मैं आपको समझाता हूं। चलिए जी अगली स्क्रीन पर आए। अब मान लीजिए कि ये आपका मेलपीजियन ट्यूब्यूल है, दिस इज द मेलपीजियन ट्यूब्यूल। ओके,
और ये ऊपर की तरफ, ये तो है आपका मिडगट, और ये जो नीचे की तरफ जा रहा है ये है आपका हाइंडगट। एक ट्यूब्यूल को एनलार्ज कर दिया है मैंने और इसके जंक्शन पर हमें दिख रहा है मेलपीजियन ट्यूब्यूल। अच्छा, मेलपीजियन ट्यूब्यूल के चारों तरफ क्या होगा? रिया वेट करो बेटा, अभी बताते हैं, हैव सम पेशेंस। ये यहां क्या भरा हुआ है देखना जरा, व्हाट इज दिस? हीमोलिम्फ। तो जहां मेलपीजियन ट्यूब्यूल फ्लोट कर रही है इसके चारों तरफ के मीडियम में, यहां पर क्या है बच्चों? ठीक है, ये आपका मेलपीजियन ट्यूब्यूल है। अब मेलपीजियन ट्यूब्यूल का को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, मेलपीजियन ट्यूब्यूल का ये वाला हिस्सा जो है, इसको तो हम कहते हैं सीक्रेटरी पार्ट, और ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्टिव पार्ट। ठीक है जी, सीक्रेशन का मतलब आप समझते ही हैं, कोई सब्सटेंस ल्यूमन में, एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल के ल्यूमन में सीधे एंटर कर जाए, दैट इज सीक्रेशन। तो सीक्रेटरी पार्ट में क्या क्या सीक्रेट होगा? देखो, यहां से सोडियम एंड पोटेशियम यूरेट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों चीजें कहां से आ गई? हीमोलिम्फ से। हीमोलिम्फ से मेलपीजियन ट्यूब्यूल ने इन तीनों को एब्जॉर्ब कर लिया, या ना एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, इसमें ये सीक्रेट हो गए। आ गई बात समझ में? फ्रॉम हीमोलिम्फ ऑल दीज सब्सटेंसेस एंटर्ड इन द ल्यूमन ऑफ मेलपीजियन ट्यूब्यूल। अब इसके बाद क्या हुआ? ये जो सोडियम और पोटेशियम यूरेट है, ये वाटर से मिलकर और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर अल्टीमेटली क्या बना देंगे? अब तीन चीजें हैं हमारे पास, सोडियम पोटेशियम यूरेट, वाटर और CO2। ये तीन चीजें आ गई हैं यहां ल्यूमन में। इनका रिजल्ट क्या निकला? इनका रिजल्ट निकला, एक तो बना हमारे पास यूरिक एसिड और एक सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। कुछ क्वांटिटी में वाटर यहां भी आ सकता है जो पूरा यूटिलाइज नहीं हो। अब क्या होगा? ये जो यूरिक एसिड बना, अल्टीमेटली इट इज डिलीवर्ड इन हाइंडगट, और ये वापस से कहां चले जाएंगे? हीमोलिम्फ में। समझ में आ गई बात अच्छे से? तो इस तरीके से ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगे, और ये यूरिक एसिड जो है विल कम आउट ऑफ बॉडी विद अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड के साथ ये बॉडी से बाहर आएगा। शफीउल्लाह, चलो पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की चीजें समझाता हूं आपको। समझ में आ गया? क्लियर?
चलें आगे बच्चों, क्या पूछा है रिया आपने? अरे ये सारे के सारे आयंस तो हीमोलिम्फ में होते ही है ना, दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट। बॉडी सेल मेटाबॉलिज्म से जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट अल्टीमेटली हीमोलिम्फ में फ्लोट करेंगे और यहां पर सीक्रीट होंगे। सीक्रीशन ऑलवेज इन एन एक्टिव प्रोसेस, सीक्रीशन एक एक्टिव इवेंट होता है जिसमें एनर्जी यूटिलाइज करके इन सब्सटेंसेस को अंदर डिलीवर किया जाता है। आ गई बात समझ में? तो इस प्रोसेस में एनर्जी यूटिलाइज होगी और हीमोलिम्फ में तो ये पहले से थे ही क्योंकि टिश्यू इनको कंटिन्यूअसली रिलीज कर रहा है बॉडी फ्लूइड्स में। ठीक है, चलो ये तो मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स की बात हुई, अब जरा इनके बारे में भी देख लो। मैल्पीजियन ट्यूब्यूल तो हो गया, अब कुछ और चीजें जो होती हैं जैसे फैट बॉडीज। अब हीमोसील में कुछ सेल्यूलर कलेक्शंस होते हैं, कहने का मतलब क्लस्टर होते हैं सेल के छोटे छोटे जिनको कलेक्टिवली फैट बॉडीज कह देते हैं। उनमें माइसिटोसाइट, यूरेट सेल, इनोसाइट और ट्रोफोसाइट, चार तरह के सेल्स मिलते हैं फैट बॉडीज में, माइसिटोसाइट, यूरेट सेल, इनोसाइट एंड ट्रोफोसाइट। तो इनमें ये जो यूरेट सेल है इट स्टोर्स सम क्वांटिटी ऑफ यूरिक एसिड एंड दैट इज हाउ दे सपोर्ट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। नेफ्रोसाइट क्या होते हैं? देखो, दे आर प्रेजेंट इन द लेटरल वॉल ऑफ द हार्ट एंड हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड स्टोर ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। 13 चैम्बर्ड जो हार्ट है कॉकरोच का, उसके लेटरल वॉल पर कई जगह पर कुछ सेलुलर स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिनको नेफ्रोसाइट बोला जाता है। ये नेफ्रोसाइट भी नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते हैं। ओके, यूरिकोज ग्लैंड। यूरिकोज ग्लैंड के बारे में इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि ये फीमेल में नहीं होता है, केवल मेल में होता है। आगे जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये और क्लियर हो जाएगा। तो कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनमें मेल में यूरिकोज ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरी ऑफ मशरूम ग्लैंड। दीज ग्लैंड्स सिंथेसाइज यूरिक एसिड। आ गई बात समझ में? तो केवल मेल में होंगे। और एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने अभी मेरे से यह पूछा था कि क्यूटिकल, क्यूटिकल बेटा फैट बॉडीज पहले तो स्टोर करेंगे, अल्टीमेटली हीमोलिम्फ में रिलीज कर देंगे, हीमोलिम्फ में रिलीज कर देंगे, उसके बाद वापस वही वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। विजय, दे इनिशियली विल स्टोर एंड लेटर ऑन विल रिलीज इट इनटू हीमोलिम्फ। अब देखो क्यूटिकल कैसे हेल्प करता है। जब निम्फ से कॉकरोच बनता है, निम्फ से कॉकरोच जब बनेगा तो इस प्रोसेस में एक्डाइसिस होता है। एक्डाइसिस का मतलब बॉडी के जो आउटर मोस्ट डेड लेयर्स हैं उनको थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। वो फिर से बनते हैं, फिर से सीक्रेट होते हैं सारे के सारे। तो जैसे मान लो ये निम्फ था, निम्फ के चारों तरफ ये क्यूटिकल था, तो ये क्यूटिकल हट जाएगा एक्डाइसिस के प्रोसेस में, फिर इसका साइज बढ़ेगा और अल्टीमेटली ये क्यूटिकल वापस सीक्रेट हो जाएगा। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, हर बार आउटर मोस्ट लेयर बॉडी के अलग हटेंगे और फिर वापस से बनेंगे। तो ये जो क्यूटिकल है बाहर की तरफ, दिस क्यूटिकल ऑल्सो स्टोर एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल। तो जब एक्डाइसिस का प्रोसेस होगा, जब निम्फ से कॉकरोच बनता है तो 10-13 टाइम एक्डाइसिस होता है, 10-13 बार बॉडी के आउटर मोस्ट डेड लेयर रिमूव किए जाते हैं। तो जब जब ये आउटर मोस्ट डेड लेयर रिमूव होंगे तब तब एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल भी बॉडी से बाहर निकलेगा। ओके, चलो जी, ये हुआ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब आगे चलूं, नर्वस सिस्टम। तो देखो
कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम है या आर्थ्रोपोड्स का जो नर्वस सिस्टम है उसके लिए हम एक टर्म काम में लेते हैं, एनेलिडियन नर्वस सिस्टम। आ रही है बात समझ में? अब इसमें होता क्या क्या है देखो। सबसे पहले तो मैं यहां एक स्ट्रक्चर बनाता हूं आपके लिए, ये लेटरल व्यू है, ये क्रॉप है, ये गिजार्ड है, ये मीजेंट्रॉन है। पूरा स्ट्रक्चर हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। अब ये ईसोफेगस वाला जो पोर्शन है, यहां एक गैंग्लियन मिलता है जिसको हम कहते हैं सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, एक गैंग्लियन नीचे मिलता है जिसको हम कहते हैं सब ईसोफेजियल गैंग्लियन। अभी दूसरा डायग्राम बनाऊंगा, पहले समझ लो। ये दो इनको कनेक्ट करते हैं कनेक्टिव्स, यहां से निकलता है डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, एंड दिस डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रोड्यूसेस सेगमेंटल गैंग्लियंस। दैट इज हाउ द नर्वस सिस्टम इज अरेंज्ड। देखो जरा क्या क्या चीजें आ गई इसमें। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, इसको हम ब्रेन भी कह सकते हैं या सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन भी, अभी दूसरे डायग्राम में मेंशन करेंगे। ये सब ईसोफेजियल गैंग्लियन, ये कनेक्टिव्स, फिर ये तीन थोरेसिक गैंग्लियन और ये छह एब्डोमिनल गैंग्लियन। कुल मिलाकर के ये स्ट्रक्चर है। आ रही है बात समझ में? अब मैं इसका प्रॉपर एक डायग्राम आपके लिए यहां बना देता हूं जिससे आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो कुल मिलाकर के नर्वस सिस्टम में क्या क्या है? सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन जो ईसोफेगस के डॉर्सल सरफेस पर है, सब ईसोफेजियल गैंग्लियन जो कि ईसोफेगस के वेंट्रल सरफेस पर है, इन दोनों को एक कनेक्टिव कनेक्ट कर रहा है। सो लेट अस हैव अ लुक, दिस इज सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, दिस इज सब ईसोफेजियल गैंग्लियन, एंड दीज आर सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव्स जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। अब यहां से निकला आपका डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और ये जो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है इसने तीन गैंग्लियन तो बनाए थोरेक्स के रीजन में, प्रोथोरेक्स में, मीजोथोरेक्स में और मेटाथोरेक्स में। फिर उसके बाद छह गैंग्लियन बने एब्डोमेन में, 1, 2, 3, 4, 5, और जो छठा होगा उसका साइज थोड़ा बड़ा होगा, एंड 6th। ये पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम हो गया। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं देखो जरा। ये है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन ऑल्सो नोन एज ब्रेन, दिस वन। ये जो दिखाई दे रहे हैं सरकम ईसोफेजियल
कनेक्टिव्स, ये जो दिखाई दे रहा है सब ईसोफेजियल गैंग्लियन, ठीक है जी। फिर यहां से क्या डेवलप हो गया, ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, फिर ये तीनों थोरेसिक गैंग्लियन हो गए, थ्री थोरेसिक गैंग्लियन्स एंड सिक्स एब्डोमिनल। आ गई बात समझ में यहां तक? चलो अब देखो जरा, ये तो बात हो गई आपकी सीएनएस की। देखो नर्वस सिस्टम में तीन चीजें हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज एंटायर सीएनएस। अब इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स अराइज होंगे उनको हम कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे ये जो ब्रेन दिखाई दे रहा है, ब्रेन से थ्री पेयर, और ये जो सब ईसोफेजियल दिखाई दे रहा है इससे भी थ्री पेयर नर्व्स, फिर थोरेसिक और एब्डोमिनल गैंग्लियन, तो थोरेसिक से पहले से छह, दूसरे से पांच पेयर, तीसरे से भी पांच पेयर, और फिर यहां से अलग अलग, किसी से वन पेयर किसी से टू पेयर, डिपेंड करेगा कौन से स्ट्रक्चर कौन से ऑर्गन में कितनी कितनी चीजें हैं। तो ये जितने भी नर्व्स यहां से बाहर निकल रहे हैं ये मिलकर के क्या बनाएंगे बच्चों, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आ गई बात समझ में? और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इनमें तीन गैंग्लियन बनेंगे, ये जो तीन गैंग्लियन डेवलप होंगे जैसे फ्रंटल गैंग्लियन, इनके नाम भी आप याद नहीं रखें कोई खास बात नहीं है, बस इतना याद रख लें एक फ्रंटल नर्व में बनता है तो फ्रंटल गैंग्लियन हो गया, फिर सर्वाइकल में बनता है तो सर्वाइकल हो गया, एक विसरल गैंग्लियन हो गया, इस तरीके के गैंग्लियन होते हैं, उनके बारे में आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लें तीन पार्ट है सीएनएस पीएनएस एंड सिंपथेटिक या हम कहें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सीएनएस में आपका ब्रेन, सभी सोफेजियल गैंग्लियन, कनेक्टिव्स, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड और कुल मिलाकर के नौ सेगमेंटल गैंग्लियन। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आप समझो बच्चों, जो इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है वो क्या, जरा यहां ध्यान से देखो, ये लगभग पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम थोरेक्स और एब्डोमेन में आ गया है। इस डायग्राम में देखना जरा, लगभग पूरा नर्वस सिस्टम इनका थोरेक्स और एब्डोमेन में आ गया, केवल यहां से जो नर्व्स निकलेंगे वो आगे की तरफ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे यहां से जो ये ब्रेन से तीन नर्व निकलते हैं ना, इन तीनों के भी नाम होते हैं स्पेसिफिक, एक आई में जाता है तो ऑप्टिक हो गया, दूसरा एंटीना में जाता है तो एंटीनरी हो गया, तीसरा लेब्रोफ्रंटल हो गया। इसी तरीके से यहां से जो नर्व निकलते हैं उनका नाम हो गया लेबियल मैंडिबुलर मैक्सिलरी, माउथ पार्ट्स में जो जाते हैं, और फिर इसी तरीके से इन सबके जो अलग अपने अपने रेस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स में जाते हैं। व्हाट एवर द केस इज, ऑलमोस्ट एंटायर नर्वस सिस्टम इज लोकेटेड इन थोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो अगर कॉकरोच का हेड काट दिया जाए, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछ लिया जाता है कई बार पूछा जाता है, इफ वी कट द हेड ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच का हेड हम अलग कर दें तो भी वो लगभग सात दिन सर्वाइव करेगा। क्यों? क्योंकि पूरा कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम उसका थोरेक्स और एब्डोमेन में आ गया है। केवल क्या फर्क पड़ेगा, फूड का इंजेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है ये सारी बातें, फीडिंग का प्रोसेस इंटरप्ट हो जाएगा टोटली, दिखाई नहीं देगा उसे, लेकिन फिर भी सरवाइव करेगा क्योंकि बॉडी के बाकी सारे काम चल रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली। समझ में आ रही है कि नहीं बात?
तो हेड रिमूव किए जाने के बाद भी कॉकरोच लगभग 7 दिन सर्वाइव कर लेता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन केवल इतना है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर लोकेटेड इन द रीजन ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन, और बॉडी में जो स्टोर्ड फूड है उसके बिहाफ पर ये लगभग 1 वीक तक सर्वाइव कर सकता है। संगीता जाखड़, हेलो बेटा। तो ये हो गया इनका नर्वस सिस्टम। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर हम आगे चलें। फैज जमीर, हेलो बेटा। चलो ठीक है, तो नर्वस सिस्टम तक का पोर्शन हमने पढ़ लिया है सारा। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें बच गई हैं चैप्टर में। 1, द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड आई, एंड 2, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो ये दोनों ही चीजें बच्चों अब हम कल डिस्कस करेंगे। सारे के सारे सिस्टम देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं, नर्वस सिस्टम हमने आज पढ़ लिया है। अब रिसेप्टर्स बच गए हैं जिसमें कंपाउंड आई, एंड देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, कल पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे कि मेल में क्या स्ट्रक्चर होते हैं, टेस्टिस है, वासा डिफरेंशिया है, मशरूम ग्लैंड क्या होता है, फेलोमियर्स क्या होते हैं, फीमेल में ओविपॉजिटर्स का क्या काम है, कोलेट्रल ग्लैंड का क्या काम है, मेल में फेलिक ग्लैंड का क्या काम है, ठीक है कि नहीं। ये इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजुअली। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है पिछले कुछ सालों में, कि कॉकरोच से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो 60-70% चांसेस इस बात के हैं कि वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन हो। जैसे कई बार तो यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि स्पर्मेटोफोर का इनर लेयर, मिडिल लेयर और आउटर लेयर कौन कौन बनाता है, स्पर्मेटोफोर क्या होता है, कोकून क्या होता है, किस तरीके से डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है कॉकरोच में। तो ये सारी की सारी चीजें अब हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और जाने से पहले जैसा कि मैंने आपको सुबह भी बताया था, ये जितने भी सेशंस चल रहे हैं, जितने भी वीडियोस चल रहे हैं, इन सब के बाद आपको एक फीडबैक फॉर्म मिलेगा। उस फीडबैक फॉर्म को आप फिल कीजिए, उसको जब आप फिल करेंगे तो हमें आइडिया मिलेगा, थोड़ा सा हमें फीडबैक मिलेगा कि एग्जैक्टली और कौन कौन से एरियाज हैं जिनमें चेंजेस किए जा सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ऑफ यू, जिससे कि आपका प्रिपरेशन और स्मूथली चल सके और अच्छे से चल सके। तो इट विल टेक नॉट मोर देन 30 सेकेंड्स। सब लोगों को एसेंशियली उस फॉर्म को फिल करना ही है, तो फिल कर दीजिए फॉर्म को और हिट द बेल आइकन, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस पोस्ट। ये चैप्टर बस कल हम कंक्लूड कर देंगे इस चैप्टर को, फिर उसके बाद अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो गुड बाय एंड गुड डे, मिलते हैं कल सुबह 11 बजे। ओके, बाय।